सो वेलकम टू ऋषि कॉमर्स। और आज की वीडियो अगेन एक बहुत स्पेशल वीडियो रहने वाली है, क्योंकि आज अगेन मैं बात करने वाला हूँ मीशो की पॉलिसी लूप होल के बारे में, जिसके थ्रू आपको ये चीज पता चलेगी कि ये लूप होल हो रहे हैं, इसकी वजह से आपको लॉस भी हो रहा है, किस तरीके से इन लूप होल्स को हम क्लोज कर सकते हैं और क्या हमको इस पर एक्शन लेना है जिससे हम इससे बच सकते हैं। कुछ और इनिशिएटिव की मैं बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले मैं आपको सुना देता हूँ, कल मैंने जैसे इसी प्रॉब्लम पे मीशो के जो सप्लायर सपोर्ट है उसको कॉन्टैक्ट किया था, तो उनका जवाब किस तरीके से होता है वो आप एक बार सुनिए। तो ये मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रखी है, आप इसको सुनो। ठीक है, उनको मैं तो सब में प्रोडक्ट डाल के भेजता हूँ। हाँ जी, मैं तो सारे प्रोडक्ट में प्रोडक्ट डाल के भेजता हूँ। नहीं नहीं, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने यहाँ से सब, तो मैं एक दिन में क्या 300 वीडियो बना के रखूँ? देखिए, उनके अकॉर्डिंगली भी हमें आता है प्रूफ, तभी आगे का रिवीट किया जाता है। नहीं मतलब कैसा? और टिकट का आप मुझे सब्जेक्ट बता दोगे इसमें एक बार देख के कि किसके अंदर में मुझे ये वाला करना पड़ेगा? सो ये जो पूरी वीडियो है इसको मैं इंस्टाग्राम पे वैसे अपलोड कर दूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली कोई पॉइंट नहीं मिला मुझे, कुछ स्पेशल पॉइंट यहाँ से, तो आप उसको जाके चेक कर लेना। ऋषि ई कॉमर्स करके इंस्टाग्राम पे पेज है, वहाँ पे आप जाके फॉलो कर लेना और इसको देख लेना, राइट। सो देखो, सीधी सी बात है, पॉइंट जो है मेरा आज की वीडियो का वो ये है कि मीशो जो है वो बहुत गलत तरीके से रिकवरी जो है वो सेलर से ले रहा है, जिसकी वजह से लॉसेस हो रहे हैं। अगर आप अपने पेमेंट ऐप में जाएंगे मीशो पर, जो ये मैं चला गया हूँ पेमेंट ऐप पे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कंपनसेशंस एंड रिकवरी। तो इसमें अगर मैं व्यू डिटेल्स करता हूँ तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि 4202 रुपये की मेरे को रिकवरी लगी है, ये मीशो ने मेरे से रिकवर कर लिया है। हाँ, इसमें से कई चीज़ें वैलिड हैं, क्योंकि होती है रिकवरी, हर मार्केट प्लेस पर होती है, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे। मैं कभी भी ना किसी का सपोर्ट करता हूँ ना किसी के फेवर में बोलता हूँ, मैं जो ऑनेस्ट बात है वही करूँगा सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लस कुछ कंपनसेशन भी हमें मिला है जो कि 2619 रुपये का कंपनसेशन, मतलब क्लेम्स वगैरह। अब आप देखो, कंपनसेशन तो भाई 2600 रुपये का ही मिल रहा है, लेकिन रिकवरी 4200 की हो गई है, तो इन टोटल तो मैं लॉस में ही जा रहा हूँ। तो इसको सबसे पहले ये पॉइंट हमने ध्यान में रखना है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे डिटेल्स दे रखी है, जैसे आप ये वाली रिकवरी देखो, ये रिकवरी दे रखी है यहाँ पे 477 रुपये की रिकवरी हुई है, प्रोडक्ट प्राइस रिकवरी। उसके बाद यहाँ पे दूसरी रिकवरी जो हुई है वो हुई है रिटर्न शिपिंग फीस रिकवरी। ठीक है, रिटर्न शिपिंग फीस जाती है, ये मैं मानता हूँ, बट ये चीज़ें आप देखो, ये तीन देख के मुझे बहुत ही डिसअपॉइंटेड फील हुआ। एम्प्टी बॉक्स रिसीव्ड इन ऑर्डर, एम्प्टी बॉक्स। देखो, जब मैंने इस चीज़ के बारे में सेलर सपोर्ट से बात करी, मीशो के हायर एजेंट से बात करी, तो उनका ये कहना था कि कस्टमर ने हमें बोला है कि एम्प्टी बॉक्स रिसीव हुआ था, इस वजह से हम आपसे, आपने एम्प्टी बॉक्स क्यों भेजा, तो इस वजह से हम आपसे ये रिकवरी कर रहे हैं। आप देखो, 210 रुपये की रिकवरी यहाँ पे कर ली है, 194 ये, 183 ये हो गया, इन टोटल ये लगभग 600 रुपये हो रहा है। अब आप खुद सोचो, 600 रुपये मेरे से जा रहे हैं, 600 रुपये का प्रॉफिट बनाने के लिए मुझे कम से कम, आप ये लगा लो कि 600 रुपये का अगर मुझे मानना है तो मुझे उसके लिए 15 से 20 प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, तब मुझे 600 रुपये का प्रॉफिट होगा। सो उतने का प्रॉफिट जो है वो मुझे यहाँ पे सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है सिर्फ मीशो के लूप होल, पॉलिसी लूप होल की वजह से, जो कि रिकवरी में आ रही। इसके अलावा और भी सेलर्स के कंप्लेन थे, उन सब पे मैंने वीडियो बना रखी है, आप वो जाके चेक करना। आप यूट्यूब चैनल पे जाओगे, अपने हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो यहाँ पर मीशो प्लेलिस्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने मीशो हेल्प प्लेलिस्ट बना रखी, इस पर 109 वीडियोज हैं। इस पे मैंने एक्चुअल में आपको जो आपके क्लेम से रिलेटेड इश्यूज थे उसको भी शॉर्ट आउट करा हुआ है। इसके साथ साथ जो रिकवरीज होती हैं, देखिए बहुत टाइप्स ऑफ रिकवरीज होती हैं, तो यहाँ से अगर मैं डाउनलोड करूँगा, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, इसको मैं क्लिक करता हूँ, तो किस किस टाइप से मीशो पे रिकवरी हो सकती है, ये तो सबसे पहले कंपनसेशंस है। थोड़ा आप नीचे आओगे तो यहाँ से आप देखो, यहाँ से रिकवरी शुरू होती है और आप यहाँ पे देखोगे एक पेज, दो पेज, तीन पेज, लगभग यहाँ तक इतनी टाइप्स ऑफ रिकवरीज करता है मार्केट प्लेस आपसे, जो आपको पता नहीं चलता है। इसमें अगर हम वो वाला बात करें जिस पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वो यहाँ पर है एम्प्टी बॉक्स रिसीव्ड इन ए ऑर्डर। इसका सीधा सा मतलब है, दिस इज अ डिडक्शन बिकॉज देयर वॉज एन एम्प्टी बॉक्स दैट वॉज शिप्ड टू द एंड कस्टमर। तो आप, मैं इसमें सिंपल सी बोलने की बात, देखो मैं अपना ब्रांड वैल्यू खत्म करने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा हुआ हूँ, मैं खाली बॉक्स नहीं भेजूंगा, राइट।
और पैक्ड भेज रहा हूँ मैं, कुरियर बॉयज में भी हो सकता है बीच में घपला हुआ हो, लेकिन सबसे बड़ा लूप होल मीशो का यहाँ पर ये है कि जब बायर बोलता है कि हमको एम्प्टी बॉक्स मिला है, तो इजीली बायर को क्या कर देता है मीशो, बिलीव कर लेता है। देखो मैं एक कस्टमर भी हूँ, आप भी एक कस्टमर भी हो, सेलर भी हो, आपने एज अ कस्टमर कभी भी आप टिकट रेस करना कि भाई मेरे को जो प्रोडक्ट मिला है वो एम्प्टी बॉक्स मिला है। मीशो कोई भी आपसे प्रूफ नहीं लेगा, एक दो फोटोज लेगा, जो फोटो आप कैसे भी जुगाड़ कर सकते हो, और वो फोटो लेते ही आपको एम्प्टी बॉक्स का जो है वो रिकवरी, जो ऑब्वियसली जो कंपनसेशन है वो मिल जाएगा। बट जब सेलर की बात आती है, जब सेलर करता है तो सेलर से वीडियो मांगी जाती है और सारी डिटेल सारे प्रूफ मांगे जाते हैं। तो मेरा ये सिंपल सा कहना है कि मीशो को सबसे पहले यहाँ पर अपनी पॉलिसी में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए कि अगर बायर कोई एम्प्टी बॉक्स बोल रहा है तो सबसे पहले उससे ओपन बॉक्स को ओपन करते टाइम पे प्रॉपर एक वीडियो मांगी जाए और उसके बाद ही उससे ओपन बॉक्स का जो है वो पैसा दिया जाए, एम्प्टी बॉक्स का पैसा दिया जाए और उसके बाद हमसे रिकवरी ले ली जाए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मैं मान सकता हूँ कि जहाँ पे हमारे 500-600 ऑर्डर आ रहे हैं, 100 ऑर्डर आ रहे हैं, उससे ऊपर आ रहे हैं, तो कई बार हो सकता है कि हमारे स्टाफ ने कुछ गलत कर दिया। वैसे तो स्टाफ भी ऐसा नहीं करेगा, बट फिर भी कई बार कर देते हैं, क्योंकि एज अ कस्टमर मेरे को जेन्युइनली कई बार मिला भी है एम्प्टी बॉक्स, राइट। तो ये जो लूप होल था इसको मीशो को अभी इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इससे आप सेलर्स को भी एक बार के लिए सतर्क रहना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, एक इनिशिएटिव मैंने यहाँ पे किया है, जैसे हमने बीच में हमें सेलर सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, हमने उस पर यहाँ पे ट्वीट किया था, आप सब ने उसको रीट्वीट किया था, आप सब ने उस पर अपना कमेंट्स डाले थे, टैग किया था, और उसके बाद डेफिनेटली मीशो आज अपना सेलर सपोर्ट नंबर लेके आ चुका है, वो आपको सपोर्ट में मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली वहाँ पर देखिए, हो सकता है वहाँ पर ज़्यादा एजुकेटेड उन्होंने नहीं बिठाए, धीरे धीरे वो हो जाएंगे, ऑब्वियसली वो एक्सपर्ट हो जाएंगे, बट कहीं ना कहीं हमारे छोटे छोटे क्वेश्चंस का जवाब वो दे देते हैं। तो ये मैंने ट्वीट किया है रिसेंटली, अभी 47 मिनट पहले। आप मेरी प्रोफाइल में जाएंगे ऋषि कंडारी, तो यहाँ पर आप जब ट्वीट्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने क्लियरली ये चीज़ें मेंशन कर रखी कि आप अपनी पॉलिसी में लूप होल जो हो रहा है अभी उसको आप सही करो, आप इसमें मीशो को टैग करो और मीशो के जो हायर मैनेजमेंट है उनको टैग करो, जैसे आपके क्या नाम है इनका, बर्नवाल जी हैं, संजीव बर्नवाल जी हैं, विदित अत्रेय जी हैं, और मीशो ऑफिशियल की टीम है, मीशो सपोर्ट की टीम है, उसके बाद फ्लिपकार्ट में, तो सबको आप यहाँ पर टैग करके इसको आप क्या कर सकते हो, रीट्वीट कर सकते हो, अपने कमेंट्स कर सकते हो, अपने ओपिनियन यहाँ पर दे सकते हो। मैंने यहाँ पे काफ़ी लोगों को टैग किया है, आप देख सकते हैं इन सबको मैंने यहाँ पर टैग करा हुआ है। सो ऑब्वियसली ये मीशो तक पहुँचेगा जब हम में से मैक्सिमम सेलर्स इसको ट्वीट करेंगे, और उसके बाद मुझे लगता है इस पर मीशो को काम करना चाहिए। अब एक पॉइंट ये भी है यहाँ पर कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन ने इसको कैसे शॉर्ट आउट किया है। देखो ऐसा फ्लिपकार्ट अमेजोन में भी होता है, तो फ्लिपकार्ट में FBF का फॉर्मूला है, आप FBF फैसिलिटी यूज करके इसको हटा सकते हो। सेम अमेजोन में FBA का है, FBA से जब माल जाता है तो एम्प्टी बॉक्स रिसीव कस्टमर नहीं बोल सकता। तो FBA और FBF है जो फ्लिपकार्ट और अमेजोन में, वो काफी हेल्प करता है इस टाइप की रिकवरी से बचने के लिए। सेम ऐसा ही अगर मीशो कुछ अपना कंसेप्ट लेकर आता है, मैं नहीं बोलूंगा कि वेयरहाउसेस का कंसेप्ट लेकर आए, बट कोई ऐसा ही कुछ कंसेप्ट लेकर आओ, चाहे आप कस्टमर को थोड़ा अच्छे प्रूफ मांगो उस कस्टमर से, उसके बाद ही आप हमसे रिकवरी लो, उसके बाद हम रिकवरी देने के लिए तैयार हैं। तो ये रिकवरी जो हो रही हैं वो टोटली इनजस्टिस है सेलर्स के साथ, ये रिकवरी नहीं होनी चाहिए। आप भी अपने पेमेंट्स में जाके देखो और देखो कि आपको किस किस पे रिकवरी हो रही है, राइट। तो ये तो था प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन, परमानेंट सोल्यूशन क्या हो सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। बट अभी के लिए आप क्या कर सकते हैं एज अ सेलर, अगर आपको इस टाइप की रिकवरी लगी हुई है तो आप क्या कर सकते हैं इस केस में, वो मैं आपको बता देता हूं। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यहां पर से जिस भी यहां पे देखिए ऑर्डर आईडी है, जिस ऑर्डर आईडी पे आपको रिकवरी लगी है एम्प्टी बॉक्स की, उन सब के लिए आपको एक एक टिकट रेस करना है। आप जाएंगे यहाँ पर सपोर्ट में, सपोर्ट में जाने के बाद आप जाएंगे पेमेंट्स में, पेमेंट्स में जाने के बाद आप यहाँ पर एक ये वाला ऑप्शन है, आई वॉन्ट टू नो अबाउट द डिडक्शन फॉर माई ऑर्डर, इसमें जाने के बाद आप यहाँ पर टिकट रेस करेंगे, और टिकट रेस करने के बाद अभी ओपन हो नहीं रहा है, आई डोंट नो, हो सकता मेरा नेट में इशू हो, बट यहाँ पर आपको टिकट रेस करना है। यहाँ पर आपको ऑर्डर आईडी पूछा जाएगा, आपको ऑर्डर आईडी देना है, ये आ गया, यहाँ पे आप रेज टिकट करेंगे। रेज टिकट करने के बाद यहाँ पर आप अपना सब ऑर्डर आईडी जो वहाँ पे दे रखा है वो देंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप लिखेंगे वही मैंने तो सही प्रोडक्ट भेजा था, राइट। उसके बाद
आपको यहाँ पर वीडियो अपलोड करनी पड़ेगी। वीडियो मतलब जिस टाइम पर आप पैक करते हो अपने प्रोडक्ट को, उस टाइम पर आपको एक वीडियो लेनी पड़ेगी। उस वीडियो में प्रॉपर जो इनवॉइस है वो प्रॉपर जो आप बाहर से पेस्ट कर रहे हो लेबल वो दिखना चाहिए, प्रोडक्ट के अंदर आपने डाला है प्रोडक्ट अपना वो दिखना चाहिए। तो लगभग 1-1.5-2 मिनट की आप वीडियो बना सकते हो और उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, राइट। अब देखो कई सेलर मुझसे ये भी पूछ रहे थे, सर वीडियो इतनी लंबी नहीं जाती है, क्लेम के टाइम पे भी 25 MB की ही मांगते हैं। तो यार सीधी सी बात है, यहाँ पे आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। अगर आपकी वीडियो बड़ी हो रही है, 100 MB 200 MB की हो रही है, तो आपको वीडियो को कॉम्प्रेस करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे मैं कॉम्प्रेस वीडियो करके करता हूँ, ये मैंने क्लिक किया और यहाँ पे बहुत सारे वैसे सॉफ्टवेयर भी आते हैं, बहुत सारे ऐप भी आते हैं जिससे आप वीडियो को कॉम्प्रेस कर सकते हो। बाकी ऑनलाइन भी वीडियो कॉम्प्रेस हो जाता है, यहाँ पर देखिए बहुत सारे हैं, इनमें से मैं कोई भी एक ओपन कर लेता हूँ, फाइल कॉम्प्रेसर, इसको मैं ओपन करता हूँ। तो इसको ओपन करके यहाँ पर आप अपनी फाइल को अपलोड करो, जो आपकी 100 MB 150 MB की वीडियो बनी है उसको आप अपलोड करोगे, उसको कंप्रेस करके 25 MB से नीचे का लेके आओ। एक बार करो कंप्रेस, दो बार करो कंप्रेस, राइट। और उसके बाद उसकी क्वालिटी में ज्यादा फर्क तो नहीं होगा, बट जो वीडियो आप 100 MB की थी ऑब्वियसली वो 1.5-2 मिनट की होगी, वही वीडियो आप 25 MB में भी सेम लेंथ की भेज सकते हो। तो ये ऑब्वियसली पता होता है वैसे मैक्सिमम सेलर को, बट आपको ये करना है। हाँ, अब सबसे बड़ा इश्यू ये हो जाता है कि यहाँ पर भी मान के चलिए आपके 200 300 400 500 ऑर्डर आते हैं, तो क्या आप 500 वीडियोस बना पाओगे? तो नहीं बना पाएंगे, तो डेफिनेटली वो एक चैलेंज है यहाँ पे। बट अगर आपके 100 से कम ऑर्डर्स हैं तो आप हर किसी की वीडियो बनाओ, क्योंकि देखो मैंने जैसे बोला कि अगर 2 रिकवरी भी लग गई ना तो उससे आपका 5 से 7 प्रोडक्ट का प्रॉफिट खत्म हो जाता है, राइट। तो ये बहुत ही ऑब्वियसली आपके लिए एक बहुत ही नॉन प्रॉफिट चीज हो जाती है, राइट। उसके अलावा इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो भी बना रखी थी कि किस किस टाइप की रिकवरी होती है, इस वीडियो के एंड में मैं वो वीडियो भी दे दूंगा, वो भी जाके चेक कर लेना। और जो मैंने आपको ये बताया है ट्वीट करने का, ये आप जरूर कर लेना। और आपके पास भी ये रिकवरी ज्यादा हो रही है तो आप चेक करो गाइज, क्योंकि ये बहुत लॉस में अल्टीमेटली लेकर जा सकता है। वैसे जो मैंने इसकी फ्रिक्वेंसी देखी, सो अभी अगर मैं ये पर्टिकुलर सेलर की बात करूं तो ये रेगुलर लगभग, अभी तो 500 ऑर्डर हैं, बट रेगुलर ये 200-250-300 ऑर्डर डालते थे पिछले एक महीने तक, राइट। तो 200-250-300 ऑर्डर डालने में देखते हैं क्या फ्रिक्वेंसी है, मतलब 200-250 दिन के जा रहे हैं तो इस हिसाब से रिकवरी कितने में लग रही है वो हम देख लेते हैं यहाँ पे, उससे हमको एक अंदाजा आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर जाके कम्पनसेशन में जाके यहाँ पर पेमेंट एक्सेल में इसको ले लेता हूँ, तो कस्टम डेट कर लेता हूँ मैं, और पिछले एक महीने का डेटा मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ, फेब 11 से लेके यहाँ पे मार्च 13th, राइट। तो एक महीने का डेटा मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। एक महीने का डेटा डाउनलोड करके हम देख लेते हैं कि पिछले एक महीने में कितनी रिकवरीज हम पे इस टाइप की एम्प्टी बॉक्स रिसीट की लगी हुई है, तो उससे एक फ्रिक्वेंसी हमें पता चल जाएगी। चलिए ये मैं एक्सेल हम ओपन हो गया है, ये हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखो पिछले एक महीने में, आप देखो ये 2 तो कंपनसेशन है, मैं इसमें फिल्टर लगा देता हूँ, फिल्टर लगा के चेक कर लेते हैं, ये हो गया टाइप, टाइप पे फिल्टर लगा के यहाँ पर मैं लगाऊंगा रिकवरी की, राइट। रिकवरी को मैं ओके कर देता हूँ। तो ये आप चेक करो कि यहाँ पर जो है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिकवरीज लगी हैं। इन 6 में से एक तो प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस रिकवरी है, और एक ये रिटर्न शिपिंग फीस, इसको हम हटा देते हैं। तो उसके बाद अच्छा इसको भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से, प्रोडक्ट ये रिटर्न शिपिंग वाला भी मैं हटा देता हूँ, फिर से देख लेते हैं। तो ये अगर मैंने हटाया उसके बावजूद भी आप यहाँ पे देखो तो ये है प्रोडक्ट प्राइस रिकवरी को अगर मैं भी इसमें इंक्लूड करूं तो आप यहां पे चेक करो ये कितनी रिकवरी हो रखी है। चलो ये सबसे ऊपर वाला हम हटा देते हैं क्योंकि ये कैटेगरी कुछ और है। तो एम्प्टी बॉक्स पे हमको यहां पर नियर अबाउट 4 रिकवरी लगी हुई है, राइट, जिसका कि टोटल हो रहा है 200, 400, 600 और लगभग 1000, मतलब 800 रुपये के आसपास हो रहा है। और डेट देखेंगे तो यहाँ पर आप देखो 6 तारीख को, इसी महीने की 7 तारीख को, पिछले महीने की 27 तारीख को, पिछले महीने पर, मतलब हर 10-15 दिन में एक तो हो ही रहा है ऐसा। तो ऑब्वियसली ये लॉस है, हो सकता है आप में से कई सेलर हैं जिनके बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, तो इस तरीके से आप इसको चेक ज़रूर करो, क्योंकि देखो गाइस अगर चेक नहीं करोगे अल्टीमेटली आपको पता चलेगा कि आप लॉस में जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका बहुत बड़ा लॉस उससे हो सकता है। तो आई होप कि मीशो इसको डायरेक्टली चेक करेंगे और इस तरीके से इस पर कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर लेकर आएंगे। सोल्यूशन क्या है
किस लेवल पर परमानेंट और टेम्पररी वो मैंने सारा बता दिया है। इस वीडियो को आपने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सेलर्स तक पहुँचाना है। ये गाइज मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ, हर जगह इस वीडियो को शेयर करो और टैग करो, हर वीडियो में जहां भी आप शेयर करोगे टैग जरूर कर देना मीशो का जो ऑफिशियल पेज है, राइट। तो आई होप ये मैं जो भी चीजें थी जो आप लोगों के कंप्लेंट्स थे इस चीज को लेके वो क्लियर कर पाया हूँ। सोल्यूशन जो था उस पर भी हमने बात करी, इसके अलावा कोई और टॉपिक है इसमें तो आप मुझे कॉमेंट में बताना, मैं उस पर जरूर वीडियो लेके आऊंगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑनलाइन।